नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। मेरा जो ये नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, इसमें हम डिजीज के ऊपर सीरीज बना रहे हैं। तो अल्फाबेटिकल लेटर सी में हम चल रहे हैं और आज जो बात करेंगे क्रूप के ऊपर। क्रूप मतलब अपर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, ट्राकिया, ब्रोंकाई और लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, वो पूरा का पूरा उसमें इन्फ्लेमेशन होना। और इन्फ्लेमेशन का कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कोई ऐसे टॉक्सिन्स जा रहा है जो अचानक से कोई एनवायरमेंट जैसे धुएं जैसा कुछ चीज़ आपके अंदर चला गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके ले गए और वो इरिटेशन होकर वो फिर होने लगा। तो ये जनरली बार्किंग कफ होता है, जो नैरो जो पासेज होता है ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो नैरो हो जाता है। क्यों नैरो हो जाता है? वलगम जमा हो जाता है वहाँ पर। वलगम जमा होने का कारण बहुत सारा फैक्टर है, मैंने जैसे कहा एलर्जिक रिएक्शंस, और वो सांस लेने में दिक्कत होती है। और सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो पेशेंट जोर जोर से खांसने लगता है ताकि वो वलगम निकल जाए, वो एयर पासेज को प्रॉपर तरीके से खुलने का जो एहसास है, तो वो खांसी होने लगती है। जैसे बार्किंग कफ, जैसे घाव घाव की जो आवाज़ आती है, कुत्ते जैसे भौंकते हैं ना, तो बार्किंग कफ बोलते हैं उसको। इतने जोरों की आवाज़ आती है, गले में दर्द होने लगता है, तो उसको क्रूप बोलते हैं। पूरा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो इन्फ्लेमेशन हो जाना है, वायरस के कारण हो चाहे किसी भी कारण हो। तो उसके ऊपर अगर हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ हैं। कुछ इंपॉर्टेंट दवाओं के बारे में बताऊंगा, पोटेंसी के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्टकट में निपटाएंगे हम इसको, तो अच्छी तरह से देखिए अंत तक। सबसे पहला मेडिसिन है एकोनाइट, जो मोस्टली यूज होता है क्रूप के लिए। ये कब ज़्यादा इस्तेमाल होता है? अचानक से आने वाले खांसी, अभी कुछ नहीं है, उसको प्रॉब्लम नहीं था, अचानक से आ गया, चाहे वो कॉजेटिव फैक्टर कोई भी हो, अचानक से आने वाला। बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो कि एकोनाइट बेलाडोन में ही हो सकता है, लेकिन खांसी के लिए एकोनाइट बहुत बढ़िया है। मोस्टली जब ठंडे के एक्सपोजर में ज़्यादा आते हैं तो अचानक से खांसी शुरू हो जाना, ठंडी हवा के एक्सपोजर में, जो विंटर सीजन में, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया काम देता है। कैसे दे सकते हैं आप एकोनाइट 30 को हर 15-15 मिनट में दे दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो फिर आप उसका ड्यूरेशन फिर कम करके दिन में 2-3 बार करके बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट दवाई इसका आता है वो हेपरसल्फ। इसमें थोड़ा वलगम थोड़ा लूज रहता है लेकिन खांसी ज़बरदस्त होती है, वो वलगम निकलता नहीं है, गले में इरिटेशन होता है, वही ठंडे के एक्सपोजर के कारण भी इसका कारण है। लेकिन एकोनाइट एक्यूट में काम देता है, हिपरसल्फ मोस्ट क्रॉनिक दी है, एंटीमायज्मेटिक दवाई है, एंटीसोरिक बेसिकली होता है, जो कि बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। तो एकोनाइट के बाद आप हिपरसल्फ भी दे सकते हैं, कंडीशन लगभग सेम रहेगा, ठंडे के एक्सपोजर के कारण वो होता है हिपरसल्फ। कैसे देना है? 30 को दिन में 2-3 बार, इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करना, दिन में 3-4 बार आप दे सकते हैं कंडीशन में इंप्रूवमेंट आने के बाद, फिर इसको दिन में 2 बार करके फिर 200 का 1 या 2 डोज देकर बंद कर सकते हैं। हिपरसल्फ एक डीप एक्टिंग पॉलीकस रेमेडी है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट मेडिसिन आता है वो है काली बाइक्रोमिकम। काली बीच में, जैसे आपको पता है वलगम बहुत रेशेदार होता है, चिपका हुआ होता है, इंटरनल ऑर्गन्स में चिपक जाता है, वो आसानी से निकलता नहीं, खांसी ज़बरदस्त होती है, तो उसके लिए काली बाइक्रोमिकम दे सकते हैं। और एक बेहतरीन दवाई है इसका बार्किंग कफ क्रूफ के लिए, वो है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया आपको पता है, मैंने मटरियावाड़ी का जब हमने डिस्कस किया था पुराने चैनल डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी में, ड्राई कफ, स्पेशली ड्राई कफ, साई साई की आवाज़ आती है, विजिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया काम देता है। वलगम निकलता नहीं है, पूरा सूख जाता है, चाहे आप डस्ट हो, मोस्टली ये होता है कि डस्ट इनहेल कर लिया आपने, कोई साफ सफाई हो रही है घर में या फिर बाहर, और आप उसके थ्रू गुजर गए, तो वो जो डस्ट आता है वो चिपक जाता है इंटरनल ऑर्गन में। वलगम के साथ वो डस्ट चिपक जाने के कारण इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, खांसी ज़बरदस्त होती है, ऐसे फेंकने जैसा खांसी होती है, तो वहाँ पर स्पॉन्जिया बहुत जल्दी काम करता है, उसको लिक्विफाइड करके वो निकाल देता है स्पॉन्जिया, ऐसे बेहतरीन दवाई है। तो साय साय की जो आवाज़ आती है और विजिंग सेंसेशन बहुत होता है, विजिंग सेंसेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के लिए, तो उसमें भी यूज़ होता है, तो इसको आप क्रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, उसका पर्टिकुलर सेंसेशन ये ड्राईनेस ऑफ कफ रहता है। उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जिसकी आयोडीन है, ब्रोमीन भी है, इसमें भी नैरो हो जाता है पासेज और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ओवरऑल देखा जाए, जितने भी ये मेडिसिन के बारे में बात की, एक्यूट कंडीशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, 30 पोटेंसी में रिपीट कर सकते हैं, जो एक्यूट दवाइयाँ हैं और जो डीप एक्टिंग पॉलीकस दवाइयाँ, उसको ज़्यादा रिपीट नहीं करना, दिन में 2-3 बार 4 बार तक ले सकते हैं, कंडीशन में इंप्रूवमेंट आ जाए फिर उसका आप 200 देना, 1 या 2 डोज या मैक्सिमम 3 डोज, फिर उसके बाद आप बंद कर देना। 15-20 दिन देखने के बाद 1 mg का सिंगल डोज दे सकते हैं, जो पॉलीक्रिस रेमेडी है, जो मोस्टली सुइटेबल रेमेडी है, जो मोस्टली सिमिलर रेमेडी है, दवा का और पेशेंट का सिम्टम अगर 3-4 सिम्टम मैच कर जाए, जो इटैलिक साइज लेटर में किताब में दिया हुआ है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम,
उसको आप सिलेक्शन करिए, 3-4 सिम्टम मैच हो गए तो आप उसका 1 mg का सिंगल डोज दे सकते हैं, क्विकली रेस्पॉन्ड करेगा और बीमारी को रिकरेंस होने से रोकेगा। तो ये उसका पर्टिकुलर चॉइस है। क्रूप के लिए बारे में हमने डिस्कस किया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे सर्दी का महीना हो, बारिश का महीना हो, समर सीजन में भी किसी किसी को आ सकता है, तो ये तमाम चीज़ों में आप उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार हो और बहुत सारे लोगों को जो अवेयरनेस नहीं है होम्योपैथी के बारे में उनको जान पाए। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मैं आने वाले दिनों में पेश करने वाला हूँ तीनों चैनल्स में, आप बने रहिए। जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, जो नया 2 चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, ये वाला, और एक जो शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम पॉइंट्स, जो क्लिनिकल टिप्स, जो क्लिनिकल की नोट्स प्रेजेंट कर रहे हैं शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से, डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।